कक्षा 7 की संस्कृत का 6ठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचारः। सदाचारः का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमको सभी के साथ। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। यस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्य क्रमागतः वर्णानां सान्त्रालानां स सदाचार उच्यते। किसी देश में जो व्यवहार परंपरा के रूप में चला आ रहा है उन वर्णों और उपवर्णों के बीच में उसी प्रकार को सदाचार के नाम से जाना जाता है, मतलब जो परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से। इसका अर्थ है कि किसी समाज में जो व्यवहार हमें अच्छा आचरण करना सिखाता है और हमें शिष्टाचार सिखाता है वो व्यवहार परंपरा का रूप धारण कर लेता है, मतलब जो भी अच्छी चीज सिखाता है वो हमारा व्यवहार बन जाता है। दूसरा देखते हैं श्लोक इसका। श्वः कार्य मध्य कुर्वित पूर्वानहे चाप्रहिकम् नहि प्रतीक्षते मृत्युः प्रथमस्य न वा कृतम्। इसमें श्वः का अर्थ होता है आने वाला कल, अर्थात हमें आने वाले कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। किसी ने वो कार्य किया है या नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं सोचती कि इसने वो काम किया है या नहीं किया है। इसका भाव है कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, अर्थात मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए हमें अपने महत्वपूर्ण कार्यों को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए। मतलब हमको ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमको आज करना है तो वो वाला काम हमको आज ही करके ख़त्म करना होता है, ठीक है। जैसे मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है ना, वो ये थोड़ी सोचती है कि आपने काम करा है या नहीं करा है, ठीक है। तीसरा वाला श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानरतरम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। इसका अर्थ है कि हमें वो बातें बोलनी चाहिए जो सच है, हमको वो बातें बोलनी चाहिए जो सच है और जो दूसरों को प्रिय लगे। प्रिय मतलब होता है अच्छी लगे, है ना। परंतु हमें ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सच बोल देते हैं लेकिन वो दूसरों को कष्ट देता है, नुकसान पहुंचा देता है, अर्थात किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। हमें वो सच नहीं बोलना चाहिए, अर्थात अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा लग रहा है तो हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो वैसा भी हमको नहीं करना है। अर्थात अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म है, ठीक है। मतलब यही हमारा धर्म है कि हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, प्रिय जो दूसरों को प्रिय लगे, अच्छा लगे। चौथा श्लोक है आपका। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च कौटिल्यं न कदाचन। तो क्या बोल रहा है ये, हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई होनी चाहिए, है ना। मतलब हमारा जो व्यवहार है उसमें क्या होनी चाहिए, हमेशा सच्चाई, मतलब हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। अर्थात हमें अपने व्यवहार में उदारता और सत्यता को हमेशा बनाए रखना चाहिए और इसके साथ ही ऋजुता और मृदुता। देखो ऋजुता का अर्थ होता है सरलता और मृदुता का अर्थ होता है कोमलता को भी अपने व्यवहार में स्थान देना चाहिए, है ना। और हमारे व्यवहार में कुटिलता, मतलब किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना है ना, कोई भावना नहीं आनी चाहिए गलत, तो कुटिलता अर्थात होता है टेढ़ापन, चालाकी या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, इन सब चीज़ों की हमारे व्यवहार में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हम किसी को बुरा भला बोले। पांचवा श्लोक है आपका। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अर्थात हमारे जीवन में माता पिता और गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, मतलब हमको सबसे ज़्यादा
अच्छा बोला गया है माता पिता को, और सब किसको मानना चाहिए हमको, माता पिता को और गुरुओं को, है ना, उनका हमेशा आदर करना चाहिए। तो अर्थात हमारे जीवन में माता पिता और गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्हें अपने माता पिता और गुरुजनों की मन मनसा कर्मणा वाचा, मतलब क्या होता है, मन कर्म और वचन से हमेशा सेवा करनी चाहिए, अर्थात इनका हृदय से सम्मान करना चाहिए। इस पाठ का आखिरी श्लोक देखते हैं हम। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। क्या बोल रहे हैं कि इसका अर्थ है कि मित्रों के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है, मतलब हमको कभी भी हमारे मित्र के साथ, हमारे दोस्त के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसी बात को जानकर अर्थात इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ज्ञात्व यानी जानकर, है ना, तो रखते हुए हमें इस विचार को त्याग देना चाहिए, अर्थात मित्रों से झगड़ा करने का विचार हमें त्याग देना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मित्रों से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसका भाव है कि यदि किसी कारणवश दो मित्रों के बीच झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि लड़ाई की संभावना दिख रही है, तो हमें उस झगड़े के कारण को समाप्त कर देना चाहिए, ना कि अपनी मित्रता को, मतलब जिससे आपको लग रहा है कि इससे झगड़ा हो सकता है तो उसको ख़त्म करना है, उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस कारण को ख़त्म करना है, लेकिन अपनी दोस्ती को ख़त्म नहीं करना है। तो ये था कक्षा 7 के संस्कृत का 6ठा पाठ सदाचार। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।